ज़ारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग शेयर करती हैं। ज़ारा अक्सर अपनी सौतेली माँ करीना के साथ अपने रिलेशन पर बात करती हैं और वह उनके चैट शो व्हाट वुमेन वांट में भी शिरकत कर चुकी हैं। करीना भी ज़ारा को अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं, उनसे अपने करियर को लेकर सलाह मशवरा भी करती हैं। एक बार एक इंटरव्यू में करीना ने ज़ारा की तारीफ करते हुए बताया था कि कैसे ज़ारा ने उनके फैसले को बदल कर रख दिया था। दरअसल 2012 में करीना और सैफ ने शादी के बाद ये तय किया था कि वो पर्दे पर किसिंग सीन नहीं देंगे। ये बात उन्होंने जब ज़ारा से डिस्कस की तो ज़ारा ने उन्हें उनके फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। करीना ने कहा था कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि वो ज़ारा ही थी जिनसे हमने ये बात डिस्कस की थी। सैफ ने ज़ारा को कहा था कि मैंने और करीना ने अब ऑन स्क्रीन किस ना करने का फैसला किया है। जब ज़ारा को ये बात पता चली तो वो चौंक गई और उन्होंने कहा कि ये बात बहुत बचकानी है और ये डिसीजन भी बहुत बचकाना है, क्योंकि आप दोनों ही एक्टर्स हो और आप जानते हो कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं उनमें कोई भी इसे गलत नहीं मानता अगर दो किरदार किस करते हैं। करीना ने कहा कि फिल्म द एंड में मैं और अर्जुन पति पत्नी की भूमिका में थे और मैं नहीं कह सकती थी कि मैं किस नहीं करूँगी, और वहाँ दो फूल के टकराने का सीन लगा दीजिए तो ज़ारा ने हमसे कहा कि आप दोनों को नो ऑन स्क्रीन किस की पॉलिसी बदलनी चाहिए। और आपको बता दें कि ज़ारा और सैफ और करीना में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। ज़ारा सैफ और अमृता सिंह की संतान है, दोनों का तलाक हो गया था जिसके बाद सैफ ने करीना से दूसरी शादी की थी। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सिर्फ